ये एक ऐसा संदेश अजीजों जो आपको और मुझे उम्मीद और भरोसे से भर देता है। ये इस बात का यकीन दिलाता है कि परमेश्वर इस दुनिया के संचालन में है। भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सटीक है, सही है और निश्चित है, क्योंकि एक ही राज्य है जो सदा के लिए रहेगा। सिर्फ एक ही राज्य है जो उठेगा और उठता ही चला जाएगा, उसमें कभी कोई उतार नहीं आएगा, उसका कभी कोई खात्मा नहीं होगा, और ये परमेश्वर का राज्य है। और अजीजों, हम उस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, उसके राज्य पर भरोसा कर सकते हैं। खुद ही सोचिएगा, यदि अब तक जो परमेश्वर ने कहा वो पूर्ण रूप से पूरा हुआ है, तो फिर आगे जो परमेश्वर कह रहे हैं क्या वो भी पूरा नहीं होने वाला है? अजीजों, मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं ये बहुत ही आशीषित सभा में जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए आयोजित की है। इस सफर में मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आइए हम एक परिवार होकर प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के उन गहरी बातों को, उसकी गूढ़ बातों को, उसी के द्वारा जब वो हमें सिखाए, ये बातें हमारे सामने स्पष्ट हों और हम प्रभु के और करीब और दूर तक प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। ऐसो इन सभाओं में हम बाइबल की उन गहरी भविष्यवाणियों की बातों को प्रभु के साथ बैठकर सीखेंगे और प्रभु हमें इन बहुत बहुत अहम बातों को, जो इन अंतिम समय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आइए हमारी यही प्रार्थना रहे कि प्रभु हमें और भी करीबी रूप से और भी दृढ़ता से अपने साथ खड़े होने की ताकत, हिम्मत और सामर्थ्य देने वाला बन सके। ऐसो यदि आप अपनी नज़र इस पृथ्वी पर एक देश से दूसरे देश तक लेके जाएं, ताकि चाहे फिर वो बड़े से बड़ा देश हो, सबसे अमीर देश हो या गरीब देश हो, आप कहीं भी देखें, पूरी की पूरी पृथ्वी में आप देखते हैं देश दर देश, लोग दर लोग बहुत ही मुश्किल दौर और संकट से गुजर रहे हैं। कहीं आज भी महामारी का बहुत गहरा जोर है और कहीं आप देखते हैं जल प्रलय या और किसी समस्या से देश जूझ रहे हैं। कई देश हैं जो अब आर्थिक संकट की समस्या से गुजर रहे हैं। और इसको आप जहां कहीं भी देखते हैं और देखते हैं कि पूरी पृथ्वी किस प्रकार अभी इस महामारी के दौर से थोड़ी उभर सी ही रही है। उभरते हुए आप हालात को देखते हैं, युद्ध की ललकार देश देश में हमें सुनाई दे रही है। आप अपने दिल को रोक नहीं पाते ये सवाल पूछने से कि अब आगे क्या होने वाला है। एक समस्या से निकले, अब अगली समस्या कौन से आने वाली है। बहुत से लोगों के दिलों में यह सवाल है कि अब आगे क्या। और जो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने ये सभा हमारे लिए इसलिए आयोजित की है कि प्रभु हमें बता सकें कि अब आगे क्या होने वाला है। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं जीजों कि आइए हम एक साथ होकर प्रभु के वचन में आए और प्रभु की इन गहरी बातों को प्रभु के द्वारा सीखने वाले बन पाए, और आइए कि हम जान पाए कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कैसी बड़ी एक योजना तैयार की है, जिसके द्वारा आप और मैं अपने परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिताने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आइएगा प्रार्थना के साथ इस सभा की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यार परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्रभु। प्रभु आपने हमें दूर दराज से इकट्ठा किया है और आप चाहते हैं प्रभु कि ये चुने हुए आशीषित लम्हे हम आपके चरणों में बिताएं, आपके वचन की गहराई को प्राप्त करें, आपका वचन हमारे सामने स्पष्ट हो, क्योंकि प्रभु ये एक भरोसेमंद वचन है। विनती है प्रभु कि आइए हमारा सारा ध्यान आपकी ओर लगे, हम किसी भी चीज को अपने ध्यान को आपसे जुदा ना होने दें। विनती है प्रभु कि हम पूर्ण रूप से आप पर अपनी नजरें बनाए रखें और आपके आगमन के लिए तैयार हो सकें, ताकि हम बहुतों और को आपके आगमन के लिए तैयार करने वाले बन सकें। धन्यवाद ही है प्रभु इस खास आशीष के लिए जो इस पहले वचन में, इस पहली सभा में जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। और विनती है प्रभु कि आप कृपया करके अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें और करीब और ऊंचाई में लेकर जाएं उस पवित्रता की। प्रभु विनती है कि आप हमारे दिलों को भी कृपया करके पाक साफ करें, क्योंकि प्रभु ना तो हम इस लायक हैं ना हम इस काबिल हैं कि आपकी इस गहरी बातों को हम समझ पाएं। तो विनती है प्रभु कि हमारे दिल कृपया करके आप पाक साफ करें, पवित्र करें, अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें और अपने साथ चलने की हिम्मत और सामर्थ्य दें प्रभु जी, क्योंकि ये सारी बातें, ये सारी आशीषें हम विश्वास और धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। जो आपका एक बार फिर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि प्रभु इन वचनों की गहरी पढ़ाइयों में आपको बहुतायत से आशीष देंगे और आप और मैं प्रभु के साथ अनंत जीवन के लिए तैयार होने वाले बन पाएंगे।
आज शुरुआती सभा में आज हमारा पहला जो सबक है इसका शीर्षक है प्रकाशित वाक्य का वो बहुत महान आश्चर्य। इस पर आज हमारा ध्यान जाएगा। यदि आप माता पिता हैं तो किस माता पिता ने अपनी नवजात शिशु की आंखों में देखकर यह सवाल न पूछा होगा कि मेरे इस संतान के भविष्य में क्या होगा, क्या इसका भविष्य सफल हो पाएगा, क्या दुनिया का भविष्य सफल हो भी पाएगा या नहीं, क्या ये दुनिया किसी के संचालन में है, क्या ये एक सुरक्षित जगह भी है, क्या मेरे पोते पोतियों के लिए ये जगह सुरक्षित रहेगी भी या नहीं, क्या कोई इस दुनिया का संचालन कर रहा है या फिर ये दुनिया जैसे चल रही है ऐसी चलती जाएगी। और जिस हालात से दुनिया चल रही है अजीजों, आप यकीनन इस बात को मानेंगे कि अगर इसी ऐसे ही हालात रहे तो ज्यादा देर दुनिया नहीं टिक पाएगी। तो सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। मनुष्य तो बिल्कुल तैयार है हथियारों के द्वारा और कई परमाणु अस्त्रों के द्वारा शैतान पूरा कब्जा कर चुका है अजीजों, और लोगों के दिलों पर ऐसा कब्जा कर चुका है कि ऐसा लग रहा है कि एक देश दूसरे देश को बस खत्म करने की कगार पर ही है। तो फिर क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर हमें भविष्य के बारे में एक भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है, क्या कोई ऐसा है जिस पर हम पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि बाइबल बताती है ऐसी, बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि चाहे मनुष्य जितना भी जोर लगा ले, चाहे देश विदेश जितने भी क्रोध में और एक दूसरे के साथ युद्ध में खड़े हों, दुनिया का अंत केवल परमेश्वर के द्वारा ही होगा। दुनिया चाहे जितनी भी इसके पास ताकत हो, दुनिया का अंत ठीक वैसा ही होगा जैसा कलाम कहता है। आइए मेरे साथ व्यवस्था विवरण की किताब में जाइएगा, उसका 29 अध्याय और उसकी 29 है। देखिए बाइबल क्या कहती है, व्यवस्था विवरण की 29 की 29। बाइबल कहती है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी। ऐसे बाइबल बताती है कि जो बातें परमेश्वर ने प्रकट की हैं वह हमारे लिए सदा के लिए रहेंगे। तो आइए आज चलते हैं, आज कुछ 2500 साल पहले जब परमेश्वर ने अपने कुछ राज एक प्राचीन बुतप्रस्त राजा के सामने प्रकट किए, और जो संदेश प्रभु ने इस राजा के सामने प्रकट किया, अजीजों ये संदेश केवल उस राजा के लिए ही नहीं, उस दौर के लिए ही नहीं, ये संदेश हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत मायने रखता है। ये एक ऐसा संदेश अजीजों जो आपको और मुझे उम्मीद और भरोसे से भर देता है। ये इस बात का यकीन दिलाता है कि परमेश्वर इस दुनिया के संचालन में है, कि चाहे दुनिया के इन राजगद्दियों पर कितने भी राजा आकर विराजमान हों, उस ब्रह्मांड की उस राजगद्दी पर एक ही परमेश्वर है, वही इस ब्रह्मांड की जो लगाम है उसी के हाथों में है, और परमेश्वर इस दुनिया का संचालन कर रहा है। यह हमें दिखाई देता है कि बहुत जल्द, बाइबल बताती है कि बहुत जल्द ये बीमारी, ये विपत्ति, ये संकट, ये युद्ध, ये जंग, गरीबी और मृत्यु, इन सब का खात्मा होने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों को बहुत जल्द लेने के लिए आ रहा है। तो आइए आज एक हम सफर तय करेंगे, एक ऐसा सफर जो हमें इतिहास से लेके सिखाता है परमेश्वर की उन योजना को जो परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए तैयार की है। इन सभाओं में जो हम एकत्रित होंगे अजीजों, एक बहुत अहम विषय भी होगा जिस पर हम गौर करेंगे। इस विषय को मैं बार बार आपके सामने दोहराऊंगा और उम्मीद करूंगा कि इस विषय को आप दिल से बिल्कुल लगा कर रखें, क्योंकि ये एक बहुत अहम विषय है। विषय बहुत सरल शब्दों में मैं आपके सामने रखूंगा, और वो विषय ये है कि यदि जो कहा जा रहा है ये बाइबल में है तो मैं इस पर भरोसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि जो कहा जा रहा है वो बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं है। यदि ये बाइबल का हिस्सा है तो ये भरोसेमंद है, यदि ये बाइबल में से नहीं है तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत सारांश में एक बहुत सरल सा विषय है, और मैं चाहूंगा कि इस विषय को आप परखें। हालांकि मैं आपसे बाइबल से बात करूंगा, लेकिन आप खुद अपनी बाइबल अपने पास रखिए। यदि आप एक किताब और एक पेन लिखकर नोट्स भी लेना चाहें बिल्कुल लीजिए, और परखिए कि जो बताया जा रहा है क्या वो बाइबल के मुताबिक है या नहीं। अजीजो बाइबल एक भरोसेमंद परमेश्वर का वचन है। यदि इस बाइबल में से हम पढ़ रहे हैं तो यह भरोसेमंद है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। यदि बाइबल में नहीं है तो हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसी बात की पुष्टि बल्कि आज की यह शुरुआती पढ़ाई में आज की जाएगी। हम देखते हैं अजीजों की परमेश्वर का यह वचन आज साबित किया जाएगा
पूर्ण रूप से एक भरोसेमंद वचन है। ये आपको परमेश्वर की कृपा से आज आप यकीनन इस बात पर विश्वास कर पाएंगे। तो आइए इसकी परख के लिए आज चलते हैं प्रभु यीशु के जन्म से तकरीबन 600 साल पहले, जाते हैं एक प्राचीन राजा के कमरे में। ये प्राचीन राजा का नाम राजा नेबुकदनेज़र था। नेबुकदनेज़र जो राजा था ये उस प्राचीन बाबुल के साम्राज्य का वो महान सम्राट था। और एक रात उसे एक स्वप्न आया, जब वह अपनी नींद से उठा तो वह स्वप्न को याद नहीं कर पाया, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि यह कोई आम स्वप्न नहीं था, यह एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वप्न था। यकीनन बात यह थी कि यह स्वप्न परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। यह स्वप्न में इतिहास की कुछ बातें बताई गई जो आगे आने वाले तकरीबन 2000 सालों की सच्चाई जो है इस प्राचीन राजा के सामने परमेश्वर ने रखी। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दानियल की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत देखिए बाइबल क्या कहती है। हमने राज्य के दूसरे वर्ष में नेबुकदनेज़र ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आए। राजा बहुत ज्यादा परेशान था, वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने स्वप्न में क्या देखा, उसकी उसे समझ नहीं थी, बहुत व्याकुल हुआ बाइबल बताती है, और उसे नींद नहीं आए। तो उसने अपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया जिनको उस दौर में बुद्धिमान लोग कहा जाता था। सचमुच में ये ज्योतिषी थे और तंत्री थे और कसदी थे, कुछ ऐसे जादूगर लोग थे। इन सब को इसने इकट्ठा किया, टोना करने वाले लोग थे, इन सब को उसने इकट्ठा किया और इनसे कहने लगा कि मुझे बताइए कि कल रात मैंने स्वप्न में क्या देखा और उसका महत्व क्या है, ये भी आप मेरे सामने बताइए, मेरे ये स्वप्न का मतलब क्या है। दानियल की 2:4 में उसके इन लोगों ने जवाब दिया। दानियल की 2:4 आयत में लिखा है, हे राजा तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ, कहने लगा कि मुझे पता नहीं है मैंने स्वप्न में क्या देखा। सच्चाई यह थी कि परमेश्वर ने वह स्वप्न उसके जहन से ले लिया था और अब उसे पता नहीं था कि उसने स्वप्न में क्या देखा था। दानियल की 2:9 में राजा आगे कहता है, तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजा यकीनन इन लोगों से यह कह रहा था कि मेरे सामने ये दिखावा मत करो कि आपको फल पता है, जब आपको पता नहीं है तो आपको नहीं पता है, मेरे सामने ये दिखावा मत कीजिए। आप तो भविष्य जानने का दावा करते हैं, तो अब साबित करके दिखाइए मेरे सामने कि आप भविष्य को जानते हैं, मुझे बताइए कि मैंने स्वप्न में क्या देखा। इस पर जो कसदी लोग थे वह कहने लगे राजा से दानियल की 2:10 में, और जो उन्होंने कहा यकीनन सत्य था। दानियल की 2:10 में उन्होंने कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। और यह सही था, इस पूरी पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं था जो राजा को बता सके कि उसकी मन की बात क्या थी। केवल एक स्वर्ग का परमेश्वर था जो उस राजा के स्वप्न को प्रकाशित कर सकता था। केवल एक वो परमेश्वर था जो जानता था कि उस रात उसने स्वप्न में क्या देखा, क्यों ये स्वप्न उस परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया था। इसलिए केवल ये परम प्रधान परमेश्वर ही निश्चित रूप से उस भविष्य को उसके सामने स्पष्ट कर सकता था। जब राजा का ये आदेश, इसकी खबर दानियल तक पहुंची तो दानियल जानता था, दानियल कोई ज्योतिष नहीं था, दानियल कोई तंत्री नहीं था, दानियल कोई जादूगर नहीं था, लेकिन दानियल एक प्रार्थक था और दानियल को पता था कि ऐसी समस्या में, ऐसे दौर में दानियल का कार्य क्या होगा। हम देखते हैं कि दानियल भी उस बुद्धिमान लोगों में गिना जाता था राजा के द्वारा, और उसने एक दरख्वास्त की कि जब पूछा गया, राजा ने जब आदेश दिया कि जो सवाल को बताए उन्हें इस सवाल का, ये मेरा सवाल है कि स्वप्न क्या था, इसका महत्व मुझे बताया जाए, और जो नहीं बताया जाएगा तो ये सारे बुद्धिमान जो लोग हैं इन सब की मृत्यु की जाएगी, इन पर मृत्यु दंड सुनाया जाएगा। जब दानियल ने यह बात सुनी तो दानियल ने उस जल्लाद जो फांसी देने वाला व्यक्ति था, उसका नाम अरियोक था, उसने अरियोक से पूछा, उसने कहा कि मुझे बताइए कि ये हो क्या रहा है। अरियोक ने उसके सामने जो बात थी, जो सिलसिला था, उसके सामने साझा किया और फिर दानियल राजा के सामने गया और राजा से कहने लगा, राजा मुझे कुछ समय दीजिए, मैं जाकर प्रार्थना करना चाहता हूं, वह स्वर्ग के परमेश्वर से मैं पूछना चाहता हूं और यह स्वर्ग का परमेश्वर प्रकाशित करेगा वो स्वप्न जो आपने अपने कमरे में देखा था। और सच्चाई थी ये अजीजों कि उस परमेश्वर ने, उस स्वर्ग के परमेश्वर ने ये भविष्य की जो सच्चाई थी ये दानियल के सामने भी प्रकाशित की।
जब दानियल ने ये प्रकाशन परमेश्वर से स्वीकारा तो हम देखते हैं कि दानियल ने ये प्रकाशन परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़ने के द्वारा स्वीकारा। जैसे मैंने कहा, बाकी सारे लोग अपने जादू टोने या ज्योतिषी के जो अपने कार्य थे इन पर निर्भर थे, लेकिन दानियल एक प्रार्थक था और दानियल जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। ये वो माध्यम था जिससे उसने परमेश्वर से अपने सवालों का जवाब पाया। दानियल की 2:23 में देखिए बाइबल क्या कहती है, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करता हूं क्योंकि आपने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। हम देखते हैं चीजों कि बाइबल में दानियल प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से कहता है कि आप मुझे बताइए, आप ही ने, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए कि दानियल किस शुक्रगुजारी की रूह के साथ अपने परमेश्वर के सामने आता है और उसकी आदर महिमा करता है। फिर दानियल जवाब पाने के बाद राजा के सामने गया और राजा से कहने लगा कि यह सच है कि कोई भी आप में से, आपका ये कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, ना ये ज्योतिष, ना ये तंत्री, ना ये जादू टोना करने वाले लोग, कोई भी आपके स्वप्न का प्रकाशन आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन दानियल की 2:28 में देखिए उसने क्या कहा, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। गौर कीजिएगा उन शब्दों पर अजीजों, ये भविष्यवाणी हमें फिर उस समय की धारा में ले जाते हुए, ये दानियल के दिनों से लेकर हमें उस बाबुल के राज्य से आगे बढ़ाकर उस मादी फारस के राज्य तक ले जाती है, उस मादी फारस के राज्य से बढ़ाकर यूनान राज्य और रोम के राज्य तक ले जाती है, वहां से भी आगे बढ़ाकर हमें दिखाई देता है कि ये स्वप्न, ये भविष्यवाणी जो इस स्वप्न के द्वारा उस राजा को दी गई, ये भविष्यवाणी फिर रोम के राज्य से आगे बढ़कर उस विभाजित यूरोप के दौर में ले आती है। क्योंकि ये भविष्यवाणी हमें कौन से दिनों तक ले आती है, आयत ने भी क्या बताया था, अंत के दिनों तक ये भविष्यवाणी हमें लेकर पहुंचा देती है। आगे पढ़ते हैं दानियल की 2:29 में बाइबल कहती है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है इस अध्याय में, वह इसलिए क्योंकि राजा ने पूछा था मेरा स्वप्न क्या था और उसका महत्व क्या है, लेकिन जब दानियल राजा के सामने खड़ा हुआ तो उसने केवल उसके स्वप्न के बारे में नहीं बताया, उसने ये भी बताया कि सोने से पहले, इससे पहले कि आपको नींद आती, नींद आने से पहले आपके मन में विचार थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। और मुझे पता है कि राजा सचमुच निश्चित रूप से बिल्कुल अचंभित रह गया होगा कि मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि स्वप्न क्या है और उसका महत्व क्या है, और दानियल तो मुझे यह भी बता रहा है कि मेरे मन में विचार क्या थे इससे पहले कि मुझे नींद आती। दानियल की 2:31 बाइबल कहती है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। 32 आयत में आगे बाइबल कहती है, उस मूर्ति का सिर तो चौखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। अजीजों गौर कीजिएगा, इस स्वप्न में इस मूर्ति का वर्णन, अलग अलग पदार्थ जो इसमें पाई जाती हैं, देखिए उसका वर्णन किस प्रकार किया जाता है। 34 आयत बताती है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। बाइबल आगे बताती है 35 आयत में, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खालिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना चला, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। 36 आयत कहती है, स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। देखिए जीजों कि दानियल किस हलीमियत के साथ उस राजा के सामने खड़ा हुआ और उसे बताने लगे कि यह स्वप्न था और अब परमेश्वर आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। 37 आयत से बाइबल आगे कहती है, हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, यह सोने का सिर तू ही है। आपने गौर किया उन शब्द पर, दानियल ने राजा से कहा कि राजा आप इस बाबुल साम्राज्य के सम्राट हैं और यह सोने का सिर आपको ही दर्शाता है।
ये सोने का सिर आप और आपके राज्य को दर्शा रहा है। ऐसे बाइबल बताती है कि नेबुकनेज़र ने इस दुनिया के इस महान साम्राज्य के द्वारा एक ऐसा राज किया इस दुनिया पर, और इसका राज 605 ईस्वी से लेके ईसा पूर्व, बल्कि से लेके जाकर 539 ईसा पूर्व तक इस बड़े साम्राज्य का राज रहा। नेबुकदनेज़र ने इस लंबे अरसे तक ऐसा राज किया। इस नेबुकदनेज़र ने एक बहुत ही असामान्य सा साम्राज्य इस दुनिया में खड़ा किया था, एक ऐसा राज्य जो सोने से बिल्कुल भरा हुआ था, सोने से बिल्कुल लदा हुआ था ये साम्राज्य। बल्कि कह सकते हैं कि ये प्राचीन काल में एक सबसे सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था, बाबुल का ये साम्राज्य। इसके ऐसे आलीशान बगीचे भी थे, एक बगीचे का तो वर्णन भी किया जाता है जो प्राचीन काल के जो अद्भुत कुछ नमूने हैं उनमें इनका इसके बगीचों का भी वर्णन किया जाता है। लेकिन बाबुल को यदि आप देखें तो बाबुल एक तरफ जो था उस जगह का, वो एक तरफ से ही यदि आप नापते तो बाबुल एक तरफ से तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा था। 16 किलोमीटर लंबा बाबुल एक तरफ से था। इसकी तुलना में यदि आप रोम के राज्य को देखें तो वो केवल 9.6 किलोमीटर था, और एथेंस को देखें तो एथेंस केवल 6.4 किलोमीटर था। लेकिन आप देखते हैं कि बाबुल एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी महान आलीशान और ऐसी बड़ी जगह थी जिसने दुनिया पर एक तरीके से कब्जा कर रखा था, इसका बोलबाला था इस दुनिया पर। बाबुल में एक मंदिर भी पाया जाता था, ये मार्डुक का मंदिर था। मार्डुक एक देवता था जिसकी पूजा की जाती थी, और ये मार्डुक का मंदिर जो था अजीजों, ये 300 फुट ऊंचा था। बाहर से आप देखते तो देखते कि नीले रंग की टाइल जो है इस मंदिर पर लगी हुई थी, अंदर यदि आप जाते इस मंदिर के तो आप क्या देखते कि ये सोने से लदा हुआ था अंदर। इस मंदिर में यदि आप देखते तो केवल इसी मंदिर में, केवल इस एक मंदिर में 18 टन सोने का इस्तेमाल किया गया था चीजों, 18 टन सोने का इस्तेमाल। क्या अब आप समझ सकते हैं कि क्यों प्रभु ने सोने का इस्तेमाल किया इस साम्राज्य को दर्शाने के लिए? क्या अब आपको यह बात थोड़ी और गहराई से समझ में आती है? इसलिए क्योंकि बाबुल साम्राज्य का जो मुख्य देवता था वो, उसका नाम बेल मार्डुक था। बेल मार्डुक बाबुल साम्राज्य का एक मुख्य देवता था, और यदि आप इस मंदिर में जाते तो उस मंदिर में इसकी एक मूर्ति भी थी। ये मूर्ति भी सोने की बनी हुई थी, एक सोने की बनी हुई थी, सोने के सिंहासन पर यह मूर्ति रखी गई थी, और इसके सिंहासन के पास एक सोने का एक वेदी भी थी सोने की, और हम देखते हैं इसके पास एक सोने का दीवट भी रखा हुआ था। बल्कि हम देखते हैं कि 8.5 टन सोने का इस्तेमाल किया गया था अजीजों, केवल उस वेदी के लिए और सिंहासन के लिए, केवल सिंहासन और वेदी के लिए ही 8.5 टन सोने का इस्तेमाल किया गया था अजीजों। इसलिए हमें अब अचंबा नहीं होता कि क्यों परमेश्वर ने नेबुकदनेज़र से यह कहा कि तू ही वो सोने का सिर है। दानिय्येल की 2:32 भविष्यवाणी देखिए आगे हमें क्या बताती है। उस मूर्ति का सिर तो चौखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी। जो यदि आप सोचें कि अब ये चांदी की छाती और भुजाएं, अब इनका क्या मतलब है? हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए जीजों, क्योंकि इसका मतलब, इस भविष्यवाणी का अर्थ, ये हमारे सोच विचार के लिए, या मुझे कहना चाहिए ये हमारे थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए नहीं दी गई है। भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन सटीक है, सही है और निश्चित है। तो हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि ये छाती और भुजाएं जो चांदी की ये क्या दर्शाती हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर खुद इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। दानिय्येल की 2:39 में यदि आप पढ़ें तो बाइबल बता देती है कि तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, और ये सच है अजीजों, क्योंकि बाबुल के राज्य के बाद एक राज्य उठा जो मादी फारस का राज्य था, जिन्होंने बाबुल के राज्य को उखाड़ फेंका। इसलिए अजीजों हमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोई अंदाजा लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये बात बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से की गई है। बाइबल ने पहले से ही इस बात की भविष्यवाणी की
कि एक ऐसा राज्य जो बाबुल का साम्राज्य था, आपको लगेगा कि इस राज्य का तो कभी अंत हो ही नहीं सकता, लेकिन यह राज्य हमेशा के लिए नहीं रहा, एक दूसरा राज्य उठा। और इतिहास इस बात की गवाह है अजीजों कि जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा था ठीक वैसा ही इतिहास में हुआ। बल्कि इसकी पुष्टि आप कर सकते हैं जब आप दानियल के पांचवें अध्याय में जाएं। दानियल के पांचवें अध्याय में किंग बेलशेजर का जिक्र किया जाता है। बेलशेजर जो था वह नेबुकनेज़र का पोता था, और यहां पर उसने एक नशे से धुत एक दावत का आयोजन किया अपने 1000 शासकों के लिए। इन्होंने उन सबको पुकारा, खाना बहुतायत से था, मदिरा जो थी वह बह रही थी, संगीत ऐसा संगीत जो लोगों को एक ऐसे जहन में उनके जहन पर ऐसे कब्जा कर रहा था कि पवित्रता के विचार उनके जहन में अब नहीं थे। एक ऐसा संगीत, ऐसे व्यभिचारी माहौल जो था वहां दिखाई दे रहा था, और ऐसे नशे से धुत इस दावत में ऐसे संगीत जो बज रहा था, और ऐसी अनैतिकता के बीचों बीच परमेश्वर ने इसके इस दावत में एक बाधा पैदा की। एक हाथ हम देखते हैं, बाइबल बताती है दानियल की पांच में, एक हाथ आया और दीवार पर कुछ लिखने लगा। उस हाथ ने कुछ शब्द लिखे दीवार पर, दानियल की पांच में आप पढ़ सकते हैं। पहला शब्द लिखा मने, मने जिसका मतलब परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। दूसरा शब्द तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। अगला शब्द परेस जिसका मतलब अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। ऐसो हम देखते हैं कि दानियल जब स्पष्ट करता है जो दानियल ने बताया, जो दानियल की पांच की किताब में लिखा हुआ है, ये एक बार फिर हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। यदि आप कोई भी अच्छे ऐतिहासिक कार की किताब उठाएं बाबुल साम्राज्य पर, तो आप देखेंगे कि वो इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि जैसा दानियल की पांच में लिखा था ठीक वैसा ही हुआ उस रात जब उस बाबुल के साम्राज्य पर वार किया गया उस मादी फारस के राज्य के द्वारा। साइरस, जिससे आप शायद वाकिफ होंगे, हिंदी में उसे कुस्त्रू भी कहा जाता है, कुस्त्रू जो था मादी और फारस जो दो देश थे, इनकी जो एक जुट जो इनकी सेनाएं थी, ये उसका सेनापति था। और इस सेनापति ने इन इन युद्ध की सेनाओं के साथ इसने उस बाबुल के साम्राज्य पर वार किया और उसको उखाड़ फेंका। दानियल अजीजों यदि आप देखें तो ये इकलौता नहीं था इस भविष्यवाणी करने में। दानियल इकलौता ऐसा व्यक्ति नहीं था इस भविष्यवाणी करने में, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं ही कुस्त्रू का जिक्र उसके जन्म से 150 वर्ष, तकरीबन 150 वर्ष पहले ही उसका जिक्र, उसका नाम और उसका जिक्र पहले से ही कर दिया था। आइए इस अद्भुत भविष्यवाणी को हम देखेंगे। यशायाह नबी के द्वारा 680 ईसा पूर्व में यह बात लिखी गई है। यशायाह की 45:1 देखिए बाइबल क्या कहती है। यशायाह की 45:1, यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्त्रू के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वह फाटक बंद ना किए जाएं। जो बात यहां भविष्यवाणी में की गई है ठीक ऐसा ही हुआ। ये जो सेनाओं के जो सैनिक थे, इन्होंने गड्ढे खोदे और यूफ्रेटिस जो नदी थी उसका बहाव बदलकर उस नदी को सुखा दिया, फिर दीवारों के नीचे खोदकर ये उस शहर में आए और उस पर इन्होंने वार किया और कब्जा किया। अजीजों बाइबल कोई आम किताब नहीं है। जब आप और मैं परमेश्वर का कलाम उठाते हैं तो ये कोई ऐसी ही कोई मामूली ऐतिहासिक किताब नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। अजीजों इसकी भविष्यवाणी जो है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। बाइबल आगे हमें बताती है कि एक तीसरा साम्राज्य उठा जिसकी जिसकी बात की गई भविष्यवाणी में, जिसका जिक्र किया गया भविष्यवाणी में, जो दर्शाया जाता है वो पीतल की जांघ के द्वारा। उस पीतल की जांघ के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। दानियल की 2:39 यदि आप देखें तो बाइबल कहती है, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। एक तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। हम देखते हैं कि यह पीतल का राज्य कौन से राज्य को दर्शाता है। आप शायद सवाल पूछे कि बाबुल का राज्य आया, फिर उसके बाद मादी फारस का राज्य उठा, और उसके बाद यदि आप सवाल पूछे तो मादी फारस के साम्राज्य के बाद कौन से राज्य ने शासन किया,
तो आपका ध्यान जाता है उस सिकंदर महान पर। आपने इतिहास में उसके बारे में सुना होगा। सिकंदर महान जो था अपनी सेनाओं का संचालन कर रहा था, और इन सेनाओं ने, गौर कीजिए, इन सेनाओं ने पीतल के कवच पहने हुए थे। यदि आप देखते तो इनके सिर पर जो हेलमेट थे ये भी पीतल के बने हुए थे। यदि आप देखते तो इनके अंग रक्षक भी जो थे ये भी पीतल के बने हुए थे। यदि आप देखते तो जो इनके पास तलवारें थीं, उन तलवारों के हैंडल भी जो है वो भी पीतल के बने हुए थे। और हम देखते हैं इस यूनान राज्य का जो सम्राट था सिकंदर महान, इसने किस प्रकार दुनिया पर अपना कब्जा किया। बाबुल आया, फिर मादी फारस का राज्य आया। यूनान राज्य इतनी ताकत और सामर्थ्य के साथ आया, लेकिन क्या यूनान राज्य हमेशा के लिए टिका रहता? नहीं अजीजों, दानिय्येल की 2:40 हमें बताती है, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। एक महान अंग्रेजी इतिहासकार है जिनका नाम एडवर्ड गिबन्स है। एडवर्ड गिबन्स ना तो मसीही हैं, ना ही बाइबल पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन देखिए वह अपनी किताब, जो किताब जिस किताब का नाम है रोमी साम्राज्य का उतार और चढ़ाव, देखिए उस किताब में इनके क्या शब्द हैं। कहते हैं कि ये जो सोने और चांदी और पीतल की जो ये मूर्तियां हैं, ये बहुत सही ढंग से प्रदर्शित करती हैं कि ये बल्कि प्रदर्शित कर सकती हैं कि ये जो राजा और ये जो देश थे उनको प्रदर्शित कर सकती हैं। ये सोने और चांदी और पीतल की ये जो एक एक छवि है, ये उन राज्यों और उन राजाओं को बहुत सही ढंग से प्रदर्शित कर सकती है। और ये सारे राज्य जो थे, वो आगे अपनी किताब में कहते हैं कि ये सारे राज्य और ये राजा बहुत ही सफलता से तोड़े गए उस रोम के लोहे की, उस राज के द्वारा, उसके शासन के द्वारा। तो हम देखते हैं अजीजों कि ठीक ऐसा ही हुआ था। ये इतिहासकार सही हैं, क्योंकि जब यूनान राज्य की सामर्थ्य और हिम्मत इस दुनिया पर कब्जा कर रही थी, हम देखते हैं कि उनके बाद रोम का राज्य आया और उन्होंने इस दुनिया पर अपना कब्जा बोला। और ये राज उनका 168 ईसा पूर्व से लेकर 476 तक, हम देखते हैं 476 ईस्वी तक इनका राज रहा। बल्कि इतिहास में यदि आप देखें तो आप जानते हैं कि यह रोम के राज्य के दिनों की ही बात है जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। यह रोम के ही राज्य की बात है जब यूसुफ और मरियम जो है उस साम्राज्य से और उसके अत्याचार से भाग रहे थे और जाकर मिस्र पहुंचे। यह रोम के ही राज्य की बात है जब एक रोमी सरकार के मंत्री ने जो है परमेश्वर के ऊपर जो है यकीनन रूप से हम देखते हैं कि उस पर एक तरीके से एक केस उसने डाला। और हम देखते हैं कि हम एक रोमी सैनिकों के द्वारा ही देखते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। हम देखते हैं कि तकरीबन 500 सालों से भी ज्यादा रोम एक ऐसा राज्य लगने लगा जिसे शायद कोई हरा ही नहीं सकता। रोम का झंडा लहर रहा था, चाहे आप वो अंग्रेजी द्वीपों से लेकर देखें तो, और आगे बढ़कर फारस की खाड़ी तक देखें तो रोम का ही राज था। चाहे आप उस उत्तर के समुद्र को देखते, वहां से लेकर सहारा के उस रेगिस्तान तक रोम के ही राज्य का बोलबाला था। यदि आप अटलांटिक महासागर से देखते और आगे जाकर यूफ्रेटिस नदी और उससे भी पार, हम देखते कि रोम और रोम का ही जो है राज्य चल रहा था। बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक ऐसा राज्य था। लेकिन आगे देखिए बाइबल किस बात की भविष्यवाणी करती है। दानिय्येल की 2:41 में लिखा है, और तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। बाइबल कहती है इससे यह चौथा राज्य क्या होगा? बटा हुआ होगा। ऐसो यदि आप गौर करें तो कलाम हमें यह नहीं बताता है कि जो पांचवा शासन करने वाला साम्राज्य होगा, जो आ उठ खड़ा होगा, बाइबल ये नहीं बताती है कि ये एक पांचवा बड़ा साम्राज्य होगा, बल्कि बाइबल ये कहती है कि ये एक विभाजित साम्राज्य होगा। जैसा बाइबल में भी हमने देखा दानिय्येल की 2:41 में कि इसमें उसके पैर में जो उंगलियां जो आपने देखी, जो कुछ कुमार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा।
तो ये हम देखते हैं कि एक ऐसा राज्य आ खड़ा होगा जो राज्य एक बटा हुआ होगा, एक विभाजित राज्य होगा, ये एक बड़ी ताकत नहीं होगा। हम देखते हैं चीजों कि पैरों में जो लोहा और मिट्टी जो हमने देखा, ये उसी रोम के उस विभाजित राज्य को दर्शाते हैं, और इतिहास इस बात का गवाह है कि जैसा बाइबल में लिखा था ठीक वैसा ही हुआ। हम देखते हैं कि यूरोप किस प्रकार विभाजित किया गया जैसा भविष्यवाणी ने कहा, और हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जंगली कबीले उठे, उन्होंने यूरोप पर वार किया, ऐसा कुछ हम चौथी सदी में देखते हैं। इतिहास इस बात की गवाह हमें देती है, इस बात की पुष्टि करती है। और जब ये अत्याचार इस रोमी राज्य पर हो रहे थे, तो रोमी राज्य विभाजित किया गया ठीक वैसा ही जैसा बाइबल ने भविष्यवाणी की थी। बल्कि एक समय की बात है जब एक व्यक्ति ने जो यूरोप में था, उसने एक प्रचारक से पूछा कि आपको कैसे पता है कि बाइबल सच्ची है, आपको कैसे पता है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। तो उस प्रचारक ने जवाब दिया कि सर आप वहां पर खड़े हैं। उसने जवाब दिया कि आप उस सबूत पर खड़े हैं। तो उस व्यक्ति ने अचंभित होकर सवाल पूछा कि आपका मतलब क्या है कि आप वहां खड़े हैं। कहने लगा कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं, यह जमीन उस बात की पुष्टि करती है, जिस जमीन पर आप खड़े हैं यह जमीन उस बात की पुष्टि करती है, क्योंकि जैसा बाइबल ने भविष्यवाणी की थी यूरोप के विषय में कि यूरोप एक विभाजित राज्य होगा, आज आप उसी जमीन पर खड़े हैं जो विभाजित है। और अजीजों, ये जो है अच्छे से अच्छे जो लोग, जिनका परमेश्वर के कलम पर, परमेश्वर के कलाम पर भरोसा ना हो, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा ही आगे हुआ। ये जो बाइबल हमें आगे बताती है, दानियल की 2:43 यदि आप देखें, बाइबल में लिखा है, और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहे मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वह भी एक ना बने रहेंगे। जो बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि इतिहास में यदि आप देखें, तो बहुत से यूरोप के राजाओं ने कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से विवाह में जुड़कर एक राज्य में एकता लाई जाए, दो राज्यों में बल्कि एकता लाई जाए। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है नेपोलियन सम्राट का, जिससे आप अच्छे से वाकिफ होंगे। नेपोलियन सम्राट इस हद तक भी गए कि उन्होंने अपनी पत्नी जोसेफीन को तलाक देकर, उन्होंने ऑस्ट्रिया जो प्रदेश था उसकी लुईस से उन्होंने शादी की, ताकि वह कुछ गहरे संबंध जोड़ पाते उनके देश के साथ, और अपने यूरोप को एक करने का जो उनका लक्ष्य था उसे पूरा कर पाते। जैसा भविष्यवाणी ने प्रकाशित किया था, जैसे भविष्यवाणी की ने बात कही थी, ठीक वैसा ही हुआ, और नेपोलियन का यह प्रयास बिल्कुल नाकामयाब रहा। ऐसे बाइबल हमें बताती है, बहुत स्पष्ट शब्दों में बताती है कि वह एक दूसरे से मिले जुले तो रहेंगे, लेकिन वह एक नहीं रह पाएंगे, वह एक नहीं हो पाएंगे। ऐसे ये एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो शादी विवाह हो रहे थे, इनके अलावा एक और नीति अपनाई गई जो उस दौर के जो राजनीतिज्ञ अध्यक्ष थे उनके द्वारा अपनाया गया, इस कोशिश में कि इन राजनीतिक तरीकों के द्वारा जो है दो राज्य जो है वो एक हो सके। हम देखते हैं कि उन्होंने कोशिश की कि कुछ पैंतरे अपनाए जाएं, जैसे कि आइए एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करे और उस पर कब्जा कर ले, और वो भी उनके राज्य का भाग हो जाए। चार्ल्स जो फिफ्थ, चार्ल्स द फिफ्थ जिनका नाम है, उन्होंने कोशिश की कि यूरोप को एक किया जाए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शार्लमेन का उदाहरण आप ले लें, उन्होंने भी यूरोप को एक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी हार ही प्राप्त हुई। नेपोलियन का हमने जिक्र किया, उन्होंने कोशिश की, उन्हें भी हार ही प्राप्त हुई। बल्कि नेपोलियन ने अपनी किताब में लिखा, अपने जर्नल में, उन्होंने जो उनकी बड़ी जो नीतियां थीं, जो उनकी बड़ी योजनाएं थीं, उसका वर्णन उन्होंने अपनी किताब, अपने जर्नल में किया, और उन्होंने कुछ इस प्रकार लिखा। उन्होंने कहा कि एक ही यूरोप होगा, उसमें एक ही करेंसी जो है वहां लागू की जाएगी, एक ही मुद्रा जो है उसमें चलाई जाएगी, वहां पर यूरोप में एक ही भाषा रहेगी,
एक ही सरकार रहेगी पूरे यूरोप के ऊपर। लेकिन अजीजों, जब नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा जून 1815 में, जो युद्ध, जो जंग में जिसमें जिसके वे जिसमें वो शामिल थे, उसे वाटरलू की जंग कहा जाता है। जब उस जंग में वो शामिल हुआ और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो नेपोलियन ने खुद अपने शब्दों में कहा कि महाशक्तिशाली परमेश्वर मेरे लिए कुछ बहुत ज्यादा है, मेरे लिए बहुत ज्यादा है ये परमेश्वर। जो आप सुनते हैं वो दिखाई देता है कि देखिए, एक व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध उठकर उसकी योजना को हराकर अपनी योजनाओं को फल देने की कोशिश में था, लेकिन कितनी बुरी तरह उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा। अहिजो, इस प्राचीन भविष्यवाणी की गूंज आप देखिए, जो कई सौ साल पहले लिखी गई थी, देखते हैं कि तब भी दिलों से बात करती थी, और यह भविष्यवाणी आज भी आपके और मेरे दिल से आज बात कर रही है। बाइबल एक बार फिर अजीजों इस बात की पुष्टि करती है कि परमेश्वर का वचन क्या है, सत्य है, निश्चित है और बिल्कुल सटीक है। जितनी भी कोशिशें की गई, सारी कोशिशें जो की गई यूरोप को एक करने की, चाहे वह जितने भी लंबे अरसे तक उनके प्रयास रहे, उन सबको इसी बाइबल की भविष्यवाणी का सामना करना पड़ा, जिसमें परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह एक नहीं बने रहेंगे, वह एक नहीं बने रहेंगे। फिर चाहे जितनी भी कोशिशें हुई, ये राज्य एक दूसरे के साथ जुड़कर एक कभी नहीं हो पाए और ना हो पाएंगे। हम देखते हैं कि यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। यूरोप तब भी विभाजित था और आज भी विभाजित है। चार्ल्स द फिफ्थ हुआ, या फिर शार्लमेन हुआ, नेपोलियन हुआ, हिटलर हुआ, या स्टालिन हुआ, जहां पर इतने सारे बड़े जो है आप देखते हैं राजनीतिज्ञ थे, इतने सारे ये संचालक अध्यक्ष थे, इन सबको हार का सामना करना पड़ा। हिटलर का उदाहरण ले लीजिए। हिटलर के जो संवाद हुआ करते थे, जो भाषण वो दिया करते थे, लोगों इतने ऐसे प्रभावशाली उनके ये भाषण हुआ करते थे। हिटलर बल्कि खुद कहते थे कि एक ही लोग होंगे, एक ही साम्राज्य होगा और उनका एक ही अध्यक्ष होगा। ये हिटलर के अपने शब्द थे। कुछ देर के लिए तो लगने भी लगा कि हिटलर अपने इस योजना को पूरा फल देने में बिल्कुल कामयाब होगा और यूरोप को एक करके ही छोड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि यूरोप को भी बहुत ही बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हम देखते हैं कि उसके टैंक जो थे वो लड़ाई के लिए जा रहे थे और लग रहा था कि बिल्कुल अब तो जितनी भी बाकी जो देशों की सेनाएं जुड़कर इससे लड़ने के लिए आ रही थी, कुछ ऐसा लग रहा था अब इनको तो हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हिटलर की जो सेना थी इतनी मजबूत थी, इतनी ताकतवर थी। लेकिन फिर दिखाई देता है कि हिटलर के जो टैंक थे उनको ऑर्डर दिया गया कि वह रुक जाएं और दोबारा से अपने आप को सप्लाई करके, जो और कुछ जो है हथियार वगैरह लेकर, एक दोबारा से आए। सवाल पर पूछा जाता है इतिहास में कि हिटलर के इन टैंक्स को किसने रोक दिया? ऐसा एक बहुत अच्छा जवाब होगा, एक प्राचीन भविष्यवाणी ने, परमेश्वर के वचन ने, जो दानियल की दो में हम पढ़ रहे हैं, जो उस रोमी साम्राज्य से लेकर, रोमी साम्राज्य से आगे बढ़कर जो विभाजित यूरोप के दौर की बात है, हम देखते हैं उसमें ये बात बताई गई कि ये राज्य एक दूसरे के साथ एक नहीं बने रहेंगे। ऐसा फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य की किताब में, एक आखिरी प्रयास किया जाता है इन देशों को एक करने का, और मैं चाहूंगा उस पर आप बहुत करीबी रूप से गौर करें। और इस बार ये एकता जो है वो एक धार्मिक राजनीतिक संगठन के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अपनी बाइबल आपके साथ खोलिएगा, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 17 अध्याय और उसकी 12 से 14 आयत। प्रकाशित वाक्य की 17 की 12 से 14 बाइबल कहती है, और जो 10 सींग तूने देखे वह 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ऐसो यहां पर हम इस भविष्यवाणी की महत्वपूर्णता को देखते हैं कि एक थोड़े पल के लिए हम देखते हैं कि यूरोप के जो देश हैं और बाकी की जो दुनिया है, ये एक ऐसे धार्मिक राजनीतिज्ञ संगठन के भाग हो जाएंगे ठीक प्रभु यीशु के आगमन से पहले, जैसा प्रकाशित वाक्य की 17 में हमने पढ़ा। यहां पर आप देखते हैं कि किस प्रकार प्रकाशित वाक्य बताती है कि अस्थाई रूप से थोड़ी देर के लिए हमें इन सब देशों में, यूरोप में भी थोड़ी देर के लिए हमें एक एकता सी नजर आएगी। हम देखते हैं बाइबल बताती है कि कुछ देर के लिए ये एक मन के हो जाएंगे और अपनी ताकत और अधिकार उस पशु को दे देंगे, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे अजीजों, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिएगा प्लीज।
हमें वहां पर एक भविष्यवाणी दिखाई देती है कि एक छोटे पल के लिए यूरोप के देश बाकी देशों के साथ थोड़ी देर के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन फिर सवाल पूछा जाता है कि क्या आज हमारे दौर में क्या कुछ ऐसे आंदोलन हैं जो यूरोप को एक बार फिर एक करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि एक यूरोपियन यूनियन जिससे आप वाकिफ हों, एक ऐसा प्रयास आज भी हमारे बीच चल रहा है। आज भी यूरोपियन यूनियन की यह योजना है कि पूरे यूरोप में जो है एक ही मुद्रा जो है चलाई जाए, एक ही करेंसी जो है चले, यूरो जो है चले। और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य इस बात को साबित कर देती है कि एक प्रयास होगा लोगों को राजनीतिक तरीके से एक करने का, और ये जो एकता होगी ये उस पशु को ताकत देने के लिए, इस पशु को ताकत देने के लिए होगी, और ये एक राजनीतिज्ञ और एक धार्मिक संगठन होगा जिसके द्वारा एक बहुत महान एक सिस्टम जो है खड़ा किया जाएगा। लेकिन आप गौर करेगा चीजों, यदि जंग, लड़ाई झगड़ा, बंटवारा, यदि ये सारी चीजें अकाल के साथ जुड़ जाएं, आर्थिक संकटों के साथ जुड़ जाएं, तो एक कैसा दौर होगा? और ये विचार हमें पता चलता है कि जब पूरी दुनिया ऐसे चीजों से जूझ रही होगी तो किस प्रकार दुनिया एक हो जाएगी, कुछ पल भर के लिए ही सब एक थोड़ी देर के लिए होंगे। आगे देखिए प्रकाशित वाक्य इस विषय में क्या बताती है। प्रकाशित वाक्य की 17:13 बाइबल कहती है, सब एक मन होंगे, वह अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। ऐसे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। यह मेमना कौन है? यहुन्ना की 1:29 में आप यहुन्ना के शब्द सुनते हैं, जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया। उसने देखिए किस प्रकार प्रभु का परिचय दिया हमें। उसने कहा कि देखो ये वो मेमना है, ये वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के सारे पाप लेकर चला जाएगा। ऐसे बाइबल बताती है कि ये संगठन उस मेमने से लड़ने की कोशिश करेगा और मेमना उन पर जय पाएगा। प्रभु यीशु, अजीजों, हर ऐसे संगठन पर जो परमेश्वर के विरुद्ध है, हर उस संगठन पर परमेश्वर जय पाएंगे और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ सदा का जीवन बिताने वाले बन पाएंगे। अजीजों, हम इसीलिए इन दुनियावी राज्यों में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। वह इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें कोई दुनियावी राज्य का वायदा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें एक स्वर्गीय राज्य का वायदा दिया है। भविष्यवाणी सुनेगा आगे प्रकाशित वाक्य की 17 में बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य की 17:14, क्योंकि प्रभु यीशु जो मेमना, उसके विषय में कहते हुए प्रकाशित वाक्य की 17:14 में, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जय पाएंगे। अजीजों, हम देखते हैं कि इतिहास ठीक वैसे ही चलता आ रहा है जैसे परमेश्वर ने दानियल की 2 में हमें बताया था। ऐसा लगता है कि दानियल की 2, बल्कि यदि आप पढ़े तो यकीनन एक नक्शा है, और इतिहास जैसा बताया गया था परमेश्वर के द्वारा ठीक वैसा ही चलता आ रहा है। हमें लगेगा कि इस दुनिया में जो राजनीतिज्ञ दाव पेच चल रहे हैं, ये लगेगा कि ये राजनीतिक संगठन जो है ये दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन अजीजों परमेश्वर जो ब्रह्मांड का परमेश्वर है वो इस दुनिया के संचालन में है। दानियल की 2 की ये भविष्यवाणी हमें बताती है, रोमी राज्य से लेकर यूरोप तक ले आती है, और बताती है कि ये एक ऐसा दौर होगा जब ये देश एक दूसरे के साथ एक नहीं हो पाएंगे। अजीजों, आगे बढ़कर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे हादसे हो रहे होंगे जैसे आज हमारे दौर में हो रहे हैं, ऐसे हादसे जो इस बात का संकेत देते हैं कि प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा जो है वह बहुत जल्द आने वाला है। और बाइबल इस बात को भी की भी पुष्टि करती है कि उसका आगमन जब होगा, ये हमारी इकलौती उम्मीद है, इस दुनिया की इकलौती उम्मीद अजीजों प्रभु यीशु का दूसरा आगमन है। और ये एक ऐसा दौर होगा जब दुनिया उन आखिरी पलों में जी रही होगी जिनका वर्णन दानियल की 2 में उन पैरों के द्वारा किया जाता है, जहां लोहा और कुम्हार की मिट्टी एक होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हमें फिर आगे दानियल की 2 में इससे भी आगे के दौर के वर्णन किया जाता है। दानियल की 2:34 में मेरे साथ आइएगा, बाइबल कहती है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। आगे 44 में बाइबल कहती है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। देखिए एक पत्थर
और ये पत्थर जो इस मूर्ति को तोड़ देता है, सवाल पूछा जाता है कि ये पत्थर क्या है जो इस मूर्ति को तोड़ देता है। अजीजों ये पत्थर, ये वो स्थिर पत्थर, वो स्थिर चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। अजीजों हमें इस दुनिया के जो राज्य हैं इनके उतार चढ़ाव में हमें कोई भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अस्थाई राज्य हैं। ये सिर्फ एक भ्रम के तौर पर है, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि हमें लगेगा, शायद बहुत से लोगों को लगता है कि ये राज्य बहुत ऊंचा है और ये साम्राज्य जो है बहुत ही विद्वान है। सच्चाई ये एक तरीके से जिन्हें लगता है कि ये संचालन करें, ये सिर्फ एक भ्रम है अजीजों, क्योंकि एक ही राज्य है जो सदा के लिए रहेगा, सिर्फ एक ही राज्य है जो उठेगा और उठता ही चला जाएगा, उसमें कभी कोई उतार नहीं आएगा, उसका कभी कोई खात्मा नहीं होगा, और ये परमेश्वर का राज्य है। और अजीजों हम उस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, उसके राज्य पर भरोसा कर सकते हैं। बाइबल बताती है कि वह उन सब राज्यों को क्या करेगा, चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। यह परमेश्वर का वायदा है अजीजों। सच्चाई तो यह है कि यदि आप ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि जैसा परमेश्वर ने कहा अब तक ठीक वैसा ही उस सटीक ढंग से होता चला आ रहा है। तो यदि इतना सब कुछ ठीक होता चला है तो फिर जो आखिरी बातें कही जाती हैं क्या वो पूरे ढंग से पूरी नहीं होंगी? खुद ही सोचिएगा, यदि अब तक जो परमेश्वर ने कहा वो पूर्ण रूप से पूरा हुआ है तो फिर आगे जो परमेश्वर कह रहे हैं क्या वो भी पूरा नहीं होने वाला है? सच्चाई है चीजों की उम्मीद रास्ते में ही है। हमारी मदद, हमारा सहायक, अब हमारी सहायता बहुत करीब आ पहुंची है, हमारी हमारे उद्धार की सहायता बहुत करीब आ पहुंची है। वो पत्थर जो बिना किसी जो किसी हाथ के द्वारा नहीं रचा गया था, वो स्थिर पत्थर प्रभु यीशु मसीह, वो उस ऐसे बहुत विद्वान, बहुत ही शक्तिशाली राज्य को, उनका वो राज्य जो है बहुत जल्द आ रहा है, जो दुनिया के राज्य को हमेशा खत्म कर देगा, हमेशा के लिए खत्म कर देगा। प्रकाशित वाक्य की 11 की 15 और 16 में सुनिएगा बाइबल क्या कहती है। और जब सातवें दूत ने तूरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगायुग राज्य करेगा। जो हम देखते हैं बाबुल में उतार और चढ़ाव आया, लेकिन बाबुल सदा तक नहीं रहा। मादी फारस के राज्य को हम देखते हैं कि कितना बड़ा उनमें चढ़ाव आया और फिर कितने बुरे तरीके से वो राज्य गिरा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहा। हम देखते हैं कि यूनान के राज्य में भी एक चढ़ाव और उतार आया, लेकिन वो सदा के लिए नहीं रहा। रोमी राज्य भी आया और लगा कि ये राज्य तो हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल प्रभु येशु ही सदा से सदा तक राज करेंगे। चीजों आज हम देखते हैं कि रोमी राज्य जो है आज एक विभाजित राज्य है। आज हम देखते हैं कि यूरोप में उतार चढ़ाव आप देख रहे होंगे, एक प्रयास चल रहा है एक सरकार बनाने का, पूरे दुनिया में एक ही सरकार का बोलबाला हो, ये प्रयास आज फिर किया जा रहा है। लेकिन ये सब को हार का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब ताकतों से परे, इन सब राज्यों से परे एक परमेश्वर है, जो केवल इकलौता ऐसा परमेश्वर है जो सदा से सदा तक राज करेगा। वही हमेशा तक राज करता रहेगा, और दुनिया को इस बात की हमें पुष्टि मिलती चली जा रही है परमेश्वर के वचन से कि जैसा परमेश्वर ने कहा है ठीक वैसा ही होगा। तो सवाल आज मेरा आपसे यह है अजीजों, आपने कहानी सुन ली है, भविष्यवाणी की सच्चाई आपके सामने रखी गई है, ये चट्टान का हमारे सामने जिक्र किया गया है, इस पत्थर का हमारे सामने जिक्र किया गया है। सवाल यह है अब आप और मैं क्या निर्णय लेने वाले हैं, अब आप और मैं ये सब सुनते हुए क्या निर्णय लेने वाले हैं। मती की 21 की 44 सुनिएगा बाइबल क्या कहती है। मती की 21 के 44 में लिखा है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह पत्थर गिरेगा उसको वह पीस डालेगा। अजीजो बाप सुनिए, यदि आप उस पत्थर प्रभु यीशु पर अपने जीवन को फेंक दें तो हां आपका पाप, आपका घमंड, आपकी ईर्ष्या, आपका जलन, आपका सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा, ताकि प्रभु आपको समेटकर एक नई सृष्टि बना सके। लेकिन यदि हमने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया, प्रभु में अपने जीवन को नहीं सौंपा, तो अजीजो बाइबल बताती है वही पत्थर बहुत जल्द आ रहा है, वो पत्थर बहुत जल्द आ रहा है अजीजो, और कोई भी ताकत उसके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी।
हर ताकत उसके द्वारा पीछे चली जाएगी। तो आइए आज अजीजों हम अंधकार के कामों में ना जुड़ें, आइए आज हम राजनीतिक संगठन में जुड़ने के लिए और इसमें दुनियावी लाभ पाने के लिए हम ना जुड़ें, आइए हम प्रभु के साथ जुड़ें, आइए हम उसके राज्य के भाग हों, ताकि हम प्रभु के साथ हमेशा का अनंत जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार पाए जाए। जो बहुत से दिलों में एक बहुत लंबे अरसे से एक आस है, एक ऐसी आस जो शांति और सुरक्षा की आस है, एक ऐसे समाज की आशा है जो एक ऐसा समाज हो जहां पर आपकी संतान बिना किसी डर के, बिना युद्ध या जंग के डर के आपके बच्चे बढ़ सकें, एक ऐसा समाज जहां ना तो गरीबी का जोर हो ना किसी लाचार करने वाली किसी बीमारी का। हमें एक ऐसे भविष्य की उम्मीद है जिसमें खुशहाली हो, भय नहीं, डर नहीं, बल्कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा दौर जहां पर आप और मैं परमेश्वर के साथ खुले दिल से बिल्कुल खुशहाली के साथ एक ऐसा जीवन व्यतीत कर सकें जहां पर हमारा दिल प्रभु के साथ हमेशा के लिए भरा रहेगा, भरा रहेगा और भरा रहेगा। अजीजो बहुत जल्द अजीजो हम देखेंगे कि एक आकाश में एक द्वार से परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों को बहुत जल्द लेने के लिए आ रहे हैं। सब ग्रहों को पार करते हुए प्रभु आपको और मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। एक ऐसा दौर होगा जब ये पृथ्वी हिल उठेगी उसके आगमन पर, एक ऐसा दिन जब सब लोग ऊपर देख रहे होंगे, उसको देखते हुए कहेंगे कि यही हमारा परमेश्वर है, इसी की इंतजार में हम थे, इसी की बाट हम जो रहे थे, यही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। अजीजों एक दिन परमेश्वर बहुत जल्द आ रहा है और वह हमें बता रहा है कि मैं आपको बादलों में लेकर चला जाऊंगा, एक ऐसी अंतरिक्ष की यात्रा पर जैसी यात्रा कोई जहाज नहीं कर सकता, कोई जहाज बना ही नहीं है जो परमेश्वर की तरह आपको अंतरिक्ष से ले जा सके। परमेश्वर ने आपको उस यात्रा के लिए तैयार करना चाहा है ताकि आप परमेश्वर के साथ अनंत काल में कदम रख सकें। ऐसा एक दिन हम उसे देखेंगे, इन बादलों के कई पार हम उसके साथ होंगे, हम इस दुनिया से उठाए जाएंगे अजीजों उस परमेश्वर के साथ रहने के लिए जो सदा से सदा तक राज करता चला जाएगा। अजीजों मैं उस दिन के लिए तैयार होना चाहता हूं, क्या आप भी उस दिन के लिए तैयार होना चाहते हैं? प्रभु यीशु आज आपको पुकारते हैं, प्रभु यीशु आज बाहें फैलाकर आपको आज निमंत्रण देते हैं कि आप प्रभु के करीब आए। वे आपको पुकारते हैं कि आइए आप मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठिए। परंतु यदि आप मेरे साथ उस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो क्या आज आप मुझे अपने दिल के सिंहासन पर बैठने की इजाजत देंगे? भाइयों जो परमेश्वर आपके साथ आज नहीं बैठता, कल हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अचानक से ही हम उसके साथ सदा का जीवन बिताने के लिए उसके साथ बैठ पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज आप चुनाव करेंगे, आज और अभी उम्मीद करता हूं कि आप चुनाव करेंगे कि आप अपना सब कुछ प्रभु के नाम कर देंगे, कि आप सचमुच अपना सब कुछ प्रभु में समर्पित कर देंगे और गंभीरता से प्रभु के इस वचन की गहराई में जाएंगे, प्रभु की गहरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, प्रार्थना में और बाइबल के अध्ययन में जुड़ेंगे। क्या कोई आज है जो कहना चाहता है कि मैं इस सफर में जुड़ना चाहता हूं, जो इस भविष्यवाणी की पढ़ाई का हम सफर साथ कर रहे हैं, क्या आप में से कोई है जो कहता है कि मैं इन भविष्यवाणी को और गहराई से समझना चाहता हूं, प्रभु के वचन को और करीबी रूप से जानना चाहता हूं, प्रभु यीशु के करीब और आना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरे दिल के सिंहासन पर केवल प्रभु और प्रभु परमेश्वर का ही राज हो। यदि आपकी इच्छा है अजीजों तो आइएगा मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे और परमेश्वर से अपने दिल को खोलकर उसे अपने दिल में वास करने का निमंत्रण देते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर शुक्रगुजार हैं, प्यारे प्रभु आपने बहुत सामर्थ्य से आज हमारी अगुवाई की है। प्रभु हम इस लायक नहीं, हमने ऐसा कुछ भला या चंगा नहीं किया है प्रभु जिससे हमें आपके साथ रहने का मौका मिले, परंतु आज भविष्यवाणी की पढ़ाई इस बात को साबित करती है प्रभु कि आप बहुत जल्द आ रहे हैं। दुनिया का कोई राज्य नहीं खड़ा हो पाएगा, केवल आपका राज्य रहेगा और वो राज्य अनंत काल तक रहेगा। प्रभु विनती है हमारी कि आप हम प्रत्येक को तैयार करें ताकि हमारे द्वारा और भी बहुत से हमारे अजीज आपके आगमन के लिए तैयार हो पाए, ताकि प्रभु जब आप बादलों को चीरते हुए हमें लेने के लिए आए, हम अकेले नहीं, हमारे साथ लाखों करोड़ों बहुत से लोग आपके साथ अपना सब कुछ आपके नाम करते हुए आपके साथ अनंत जीवन बिताने के लिए तैयार पाए जाएं। प्रभु इन सारी आशीषों की हम आज विनती करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम इनके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सबको आपकी जरूरत है। प्रभु आप जैसा प्रेम हमसे किसी ने नहीं किया, ना ही कोई कभी कर पाएगा। आपका नाम
कि महिमा सदा के लिए की जाए, आप सदा के लिए ऊंचे उठाए जाएं, क्योंकि आप हमारी प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु। आपका नाम हमेशा से हमेशा तक हमारे लबों पर और हमारे दिल में वास करे। ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसा मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आज की पढ़ाई से, भविष्यवाणी की गहराई से आपका परमेश्वर के वचन पर और भी गहरा भरोसा बढ़ा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत प्रेरित हुए होंगे और आपके दिल में एक भूख और प्यास उत्पन्न होगी इस भविष्यवाणी की पढ़ाई में और भी गहराई से जाने के लिए। दानिय्येल की दो ने कितने स्पष्ट शब्दों में हमें बता दिया है कि जैसा परमेश्वर की भविष्यवाणी थी ठीक वैसा ही हुआ। आइए जो हमारे अगले पाठ में हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। हमारा अगला पाठ एक बहुत ही अहम पाठ है। इसमें दोबारा से हम प्रकाशित वाक्य की किताब में जाकर हम देखेंगे प्रभु किस प्रकार अंत समय के वो सबसे महान चिन्हों को हमारे सामने कैसे रखते हैं। प्रकाशित वाक्य के महान अंत समय के चिन्ह, ये हमारा अगला पाठ है। आइए इन चिन्हों की पढ़ाई में हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।